ठीक है लास्ट क्लास में हम लोग मोटा मोटी तीन सौ लाइन तक किए थे ठीक है जो है अपने आप को सबके सामने हाजिर करता है ठीक है फर्डीनैंड इज फादर एलोसो भी मान लेता है मिरांडा और फर्डिनेंड का शादी उन लोगों को राजा रानी डिक्लेयर कर देता है बोलता है कि इन लोगों को शादी करा देंगे एवरी वन इज हैपी बोसुन कैप्टन ऑफ द शिप वो, वो लोग भी मैरिनर्स वो लोग भी सब आ जाते हैं ठीक है तो अभी हम लोग हैप्पी एंडिंग की तरफ हम लोग करके बढ़ रहे एवरी वन इज गेटिंग री जो लोग सब आइलैंड में स्कैटर्ड थे अभी सब एक हो जा रहे हैं ठीक प्रोस्पेरो बोलता है देखिए सर माइलीश डू नॉट इन्फेस्ट योर माइंड विद बीटिंग ऑन द स्ट्रेंजनेस ऑफ दिस बिजनेस एक्सक्यूज मी एज एट अ पिक्ड बी शॉर्टली सिंगल आई रिजॉल्व यू तो प्रॉस्पेर बोलता है कि माई लॉर्ड माइकिंग आप चिंता मत कीजिए डो नॉट इन्फेस्ट यूर माइंड विदिंग पास ऑफ द स्ट्रेंजनेस ऑफ वट एवर है बारे में मत सोचिए ठीक है जब टाइम आएगा एट अ पिक लेजर मैं खुद आपका जितना भी सवाल है जितना भी क्वेश्चन है जितना भी डाउट है मैं सब कुछ बोल दूंगा एंड आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट हैव दायर्ड ओवर हियर ठीक है टिल व्हेन बी चेयरफुल तब तक आप चयरफुल रहिए ठीक है ठीके? तब तक आप खुश रहिए ठीक है एंड थिंक ऑफ ईच थिंग वेल और बोलता है कि और सब कुछ के बारे में अच्छा अच्छा चीज सोचिए ठीक है एसाइड टू एरियल फिर से एरियल को ऑर्डर देता है कम हिद स्पिरिट सैट कैलिबैन एंड हिज कंपैनियंस फ्री तो बोलता है कि एरियल आओ और कैलिबन और उसके कंपैनियंस को भी तुम आजाद कर दो अनटाई द स्पेल हाउ फेयर्स माय ग्रेशियस ठीक है तो वो बोलता है कि दी अनटाई द स्पेल एरियल एरियल वहां से चला जाता है फिर वो सबको बोलता है कि कैसे हो तुम लोग सब आप लोगों को ठीक लग रहा है ना थोड़ा क्योंकि उन लोगों का माइंड तो कंफ्यूज था ना ठीक है देर आर ये मिसिंग ऑफ योर कंपनी सम फ्यू ऑड लैड्स दैट यू रिमेंबर नॉट तो बोलता है कि आपके ग्रुप का कुछ कुछ ऑर्ड लैड है जिसके बारे में आप लोग भूल ही गए हो दे आर ऑल देर ये एंटर एरियल ड्राइविंग इन कैलिबेन स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो इन दिनल तो एरियल तब कैलबुलो को भगा भगा के यहां पर आता है कैलिबेन ट्रिंक्यूलो स्टिफेनो के पास प्रोस्पेरों का वो सब कपड़ा जो चोरी किया हुआ है

मैंने हम लोग क्या बोलते हैं ऑल फॉर वन वन फॉर ऑल ना ठीक है यहाँ पे एक्चुअली बोलता है कि ऑल फॉर मी ठीक है सब मेरे लिए हटो मेरे लिए जगह बनाओ ठीक है ये मतलब एक कॉमिकल एलिमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहा है ठीक है बोलता है कि ऑल इज बट फॉर्चून सब तो नसीब है ठीक है वो कैलिबन uh, को बोलता है कि हैव करेज मॉन्स्टर हैव करेज कोरेज यू ठीक है क्यूलो बोलता है If these be true spies which I wear in my head, here's a goodly sight. तो ट्रिंकिलो बोलता है कि अगर मेरे आंख अगर ठीक है स्पाइस, ट्रू स्पाइस यहां पे मतलब अगर अगर मेरे अच्छे हैं ठीक ठीक है है आई वेयर इन हेड आईज ये सब है, तो ये तो बहुत अच्छा नजारा है दिस अ गुडली साइट वो तो देख रहे हैं कि सब सामने हाजिर है कैलिबन बोलता, oh, so, तो बोलता है कि है hey, भगवान वेरी ब्रेव साइट ये लोग तो सभी यहाँ पे हाजिर है ठीक है इवन माई मास्टर इज लुकिंग फाइन मेरा मास्टर भी एकदम ठीक है मुझे तो डर लग रहा है कि सब आई के देखे बोलो ब्रेव स्प्रिट मैंने सब इंडिविजुअल के देखे बोल बोलते हैं हा हा वॉट थिंग्स आर दीज माई लॉर्ड विल मनी बाई एम तोन तो हंसता है

मार्केट में बेचा जा सकता है कंटिन्यू करते हैं तो एंटोनियो बोलता है कि हाँ इसको तो देख के तो पूरा मछली जैसा लगता है कैलिवेन को देख के बोलता है एंड इट कैन बी इजिली मार्केटेबल याद करिए कि एकदम शुरुआत में जब कैलिबन को दिखाया गया था ठीक है तो बोला था ना कि किनो ट्रिंक बोला था कि इसको बेच देंगे इसको बेच के पैसा मिलेगा वो सेम थीम यहां पे फिर से आ जाता है कैलिबन को देख के उसको बेचने का बात किया जा रहा है बिजनेस दिस इज बिजनेस ठीक है मार्क बट द बैजेस ऑफ दीज मैन माइ लॉड्स इन लोग का बैजेस देखिए इन लोगों का कपड़ा में जो होता है ना मोनोग्राम लगा हुआ रहता है ना उन लोगों को बोलता है ठीक है तो बोलता है इन लोग का बैजेस देखिए और देख के बोलिए कि ये लोग आपके सर्वेंट्स लोग है या नहीं दिस मिस मिसेप एन हिज मदर वॉज अ विच And one so strong that could control the moon, make flows and ebbs, and deal in her command without her power. ठीक है तो बोलता कि इस ये जो मिसेपे को रेफर करके बोलता है जो फिजिकली डिफॉर्म जो ये इन क्रीचर है ये इसकी मदर एक चुरेल थी एक विच थी और वो इतनी ताकतवर थी शी कंट्रोल द मून एंड कंट्रोल द टाइड्स ठीक है

And this for he's a bastard one, had plotted with them to एंड दिस डेमिडेबल फॉर ही है कि ये तीन जन मिलकर मेरे से चोरी किया है उसी के हाथ में and again, to cal cal Caliban, बोलता है कि ये सबके साथ प्लॉट करके ये मेरे को मर्डर करने का प्लान बनाया था टू ऑफ दी फेलोज यू मस्ट नो एंड ओन तो बोलते इन तीनों में से दो जन तो आप ही का है आप ही का सर्वेंट लोग है यू ओन दम दिस थिंग ऑफ डार्कनेस आई एक्नोलेज माइंड ये जो तीसरा है दिस थिंग ऑफ डार्कनेस दिस इवल माइंडेड क्रीचर वो मेरा है ठीक है कैलिबन बोलता है आई शैल बी पिंच टू डेथ कैलिबन तो बोलता है कि मेरे को तो टॉर्चर करेगा मेरे को तो छोड़ेगा नहीं ये लोग एलॉन्सो बोलता है Is not this Stefano my drunken butler? तो बोलता है कि अरे ये तो Stefano है ना ठीक है माई ड्रंक एन बटलर सिवेशन तब बोलता है इज ड्रंक नाउ वेर हैड यू वाइन तो एलानसो बोलता है कि अरे ये मेरा ड्रंकन एन बटलर है ना ठीक है तो सिवेशन बोलता है कि हाँ ये तो अभी ड्रंक है लेकिन इसको ऐसा वाइन मिला कहां पे कि ये इतना ज्यादा एकदम पूरा टू ने मस्त है ऐसा चीज कहां पे मिला इसको ऐसा दारू मिला कहा से ठीक है इतना अच्छा मूड में टू ट्रिंक्यूलो हाउ केम एस दाउ इन दिस पिकल तो ट्रिंक्यूलो का पूछता है अलॉन्सो कि तुम इस पिकल में फंसे कैसे यहां पे पिकल मतलब समस्या लेकिन पिकल मतलब एक दूसरा होता है कि अचार ठीक है मैंने जो होता है ना कि फॉरेन कंट्रीज में विनीगर या लेमन जूस में डुबा के रख दो तो कैसे अचार टाइप का बन जाता है जो हम लोग का वो जो होता है ना नान के साथ खाते हैं ना आनी विनीगर अनियन विनीगर चिली वैसे ही वही होता है पिकल ठीक है ट्रिंक्यू लो बोलता है पिकल सिंस आई सॉ यू लास्ट I आई me मी विल नेवर आउट ऑफ माई बोन्स आई शैल नॉट फियर फ्लाई ब्लोइंग ट्रिंक्यूलो बोलता है कि जब से तुमको मैंने लास्ट देखा था ठीक है तब से मेरा हाल ऐसा है ठीक है एवर सिंस आई लास्ट सॉ यू तब से मैं इस पिकल में फंसा हूं और वो बोलता है वो तो एकदम मार्शलैंड में था ना उसको तो पूरा सर से लेके पाओ तब तो, तो पूरा बीक गया था ना पूरा कचरा में फिल्थ में ठीक है तो वो बोलता है कि आई एम पिकल्ड आई एम सो पिकल्ड आई डू नॉट फियर फ्लाई ब्लोइंग कि मेरे ऊपर मक्खी आके बैठेगी भी नहीं ठीक no, no no है नो 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 फ्लाइज विल कम ओवर मी बिकॉज आई एम ठीक है बोलता हाउ नाउ स्टिफानो तो सिबैशियन बोलता है कि अरे स्टीफेनो क्या हाल है बोलो स्टिफेनो ओ टच मी नॉट आई एम नॉट स्टीफेनो अ क्रैम तो स्टिफेनो को थोड़ा सा छूने से भी स्टीफानो अरे मेरे को छू मत मेरे पूरे बदन में दर्द से पूरा भरा हुआ है आई एम नॉट स्टीफेनो आई एम्प आई एम पेन आई एम फिल्ड आइलैंड का Stephen. I should have been a sore one थे। तो स्टीफेनो बोलता है कि अगर मैं राजा बनता तो आई वुड बिन सोर वन सोर यहाँ पे फिर से डबल मीनिंग सोर मतलब अ बैड किंग और सोर मतलब यहां पे उसका पूरा बदन में पूरा दर्द से भरा हुआ रहेगा ठीक है अलॉन्सो बोलता है इंडिकेटिंग कैलिबन दिस इज एज स्ट्रेंज एज एवर आई लुक्ड कैलिबन को देख के बोलता है कि अरे ये ये जो है ये, ये ऐसा स्ट्रेंज क्रीचर तो मैंने आज तक देखा ही नहीं जिंदगी में ठीक है प्रॉस्पर बोलता है ही इज एज दिस इन हिज मैनर्स एज ही इज इन शेप टू कैलिबन

करके तुम मेरे से माफी मांगो तुम जाओ मेरे रूम को सब ठीक कर दो अरेंज कर दो और सोचते रहो कि कैसे करके मेरे से माफी मांगोगे? कैलिबन बोलता, विल एंड फॉर ग्रेस वाइज डबल फॉर गॉड एंड वर्शिप दिस डाल तो कैलिबन बोलता है कि यस, yes, और मैं अच्छे से सोचूंगा आई विल बी वाइज हियर आफ्टर इसके बाद मैं बहुत समझदार बन जाऊंगा क्योंकि मैं बेवकूफ था I was a thrice double -ass कि मैंने स्टिफानो जैसे इंसान को मैं भगवान माना आई वर्शिप दिस तालफूल फूल और इसको भगवान जैसा माना मैंने हाँ, वैसे भी हम लोग सोच सकते हैं उसको ऑर्डर क्या कि जाओ काम करो।

आई इन्वाइट द किंग एंड योर ट्रेन योर कंपेनियंस इन टू माई पोअर सेल मेरे रूम में आइए मेरे किंगडम में आइए एंड आप रेस्ट कीजिए ठीक है फॉर वन नाइट हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर लेंगे और कल सुबह हम लोग यहां से निकल जाएंगे ठीक है आज का रात जो है आई विल वेस्ट विथ डिसकोर्स मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ एंड एवरीथिंग वॉट हैजपन ऑन दी आईलैंड जो है रात जो है बहुत जल्दी ही कट जाएगी बीत जाएगी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड द पर्टिक्यूलर एक्सीडेंट गॉन बाय सिंस आई केम टू द तो बोलता है कि आई विल वेस्ट हाफ ऑफ द नाइट पूरा आधा रात चला जाएगा व्हेन आई विल टेल यू अबाउट माय लाइफ अबाउट व्हाट हैज है इस आईलैंड में आने के बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मैं सब कुछ आप लोगों को बोल दूंगा ठीक है

माई डॉटर एंड योर सन उन दोनों का शादी में देखना चाहूंगा आई वॉन्ट टू सी देर लाव सोलम बी मैरिड टूगेदर ठीक है एंड उसके बाद जाके मैं मिलान में रिटायर कर जाऊंगा मैं वापस मिलान में चला जाऊंगा एंड देर आई विल स्टे टिल माई डेथ एवरी थर्ड थॉट विल बी ऑफ माई ग्रेव में सिर्फ अपना दिन गिनूंगा कब मैं मरूंगा ठीक है इतना का क्लियर है क्लियर है आप लोगों को मेघा क्लियर है सुन रहा है सुन रहा है क्लियर है, सुन रहा है ना क्लियर है अच्छा अंकुर मानसवी नंदिनी क्लियर है इतना तक आप लोगों को, यस yes, सर, बोलता, आई लॉन्ग टू हियर द स्टोरी ऑफ योर लाइफ take मस्ट टेक strangely. तो एलोन्सो बोलता है कि आई एम to टू लिसन टू योर स्टोरी तुम्हारा कहानी मैं सुनना चाहता हूं Obviously, be a very स्ट्रेंज स्टोरी प्रॉस्पेर बोलता है I'll deliver all मैं वो बोलता है कि मैं सबको पूरा मैं बताऊंगा ठीक है एंड प्रॉमिस यू काम सीज एन ऑस्पीशियस गैल्स प्रोस्परा बोलता है कि आई प्रॉमिस यू कि कल जब हम लोग वापस बॉयज पे निकलेंगे हम लोगों के रास्ते में कोई तूफान कोई स्टॉर्म कोई हिंड्रेंस कुछ नहीं आएगा ठीक है सब कुछ सही, सही सही से हो के हम लोग यहां से चले जाएंगे एंड सेल्स सो एक्सपेडिशियस दैट शैल कैच योर रॉयल फ्लीट पारा ऑफ का ही शिप तो डूबा था ना उसका बाकी सब जो शिप्स थे बाकी जो फ्लीट था वो तो आगे बढ़ गए थे ना तो बोलता है कि हम लोगों का शिप इतना स्पीडली स्पीड से वो ट्रेवल करेगा दैट वी विल कैच द रेस्ट ऑफ योर फ्लीट इजीली। ठीक है। इजीलीरियल माई एरियल चिक दैट इज दाई चार्ज देन टू द एलिमेंट्स बी फ्री एंड फेयर द वेल प्लीज यू ड्रॉ नियर दे ऑल एक्सिट ठीक है तो बोलता है कि एरियल माई डियर सर्वेंट My chick, ये तुम्हारा आखिरी काम है ठीक है तुम इंश्योर करना कि कल हम लोगों के रस्ते में देर इज नो हिंड्रेंस देर इज नो प्रॉब्लम इन आर वॉयज ठीक है और उसके बाद जाके तुम फ्री हो जाओगे ठीक है वो सबको बोलता है कि इधर आओ सब लोग इकट्ठा वो लोग चले जाते हैं ठीक है वो लोग अभी अपने ट्रॉसपर के सेल में घुस जाते हैं ये हो गया टेक्निकली हम लोगों का ड्रामा खत्म ठीक है आया तो इतना तक पक्का पक्का चलिए एक्सीलेंट है